मासूम देविका का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। जिला पुलिस लगातार इसकी पतासाजी में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। वहीं पुलिस के द्वारा गठित की गई SIT के भी हाथ अभी तक खाली है, जिसे असंतुष्ट होकर वाल्मीकि समाज जबलपुर के द्वारा उच्च स्तरीय जाँच की मांग आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से की गई। साथ ही ज्ञापन देने के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित परिवार को ही पुलिस अपना टारगेट बनाई हुई है और उनसे लगातार पूछताछ करके उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे संपूर्ण वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्याप्त है। हमने कलेक्टर साहब के नाम ADM मैडम दिव्या बस्ती मैडम को हमने ज्ञापन सौंपा। चूँकि वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में आज ये ज्ञापन सौंपा गया है, हमारे वाल्मीकि समाज की एक 22 माह की बच्ची जो पिछले 18 दिनों से किसी ने उसको घर से सोते थे अपहरण कर लिया, पुलिस ने SPI साहब ने SIT गठन किया, उसके बावजूद भी आज भी SIT से महज खाना पूर्ति के नाम सिर्फ टारगेट कर रही है घर वालों को। घर वालों ने अनेक ऐसे सस्पेक्टेड व्यक्तियों के नाम बताएं, उसके बावजूद भी पुलिस ने उन्हें खुलेआम छोड़ दिया है। वो आज खुले हवा में घूम रहे हैं और जिनकी बच्ची गायब है उन माता पिता दादा दादी को पुलिस 12-12 घंटे बैठा कर उन्हें पूछताछ के नाम में प्रताड़ित कर रही है, जिससे पूरे वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्याप्त है। हम ये चाहते हैं आज ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, कि 10,000 की जो राशि है उसको बढ़ाया जाए, साथ ही जो सस्पेक्टेड व्यक्ति है उन्हें हिरासत में लेके कड़ी पूछताछ की जाए और परिवार को जो अननेसेसरी ये मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं उसको बंद किया जाए और दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत हमारी 22 माह की बच्ची देविका को प्राप्त करके परिवार को सकुशल पहुँचाएँ। अन्यथा वाल्मीकि समाज जबलपुर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जिला प्रशासन की होगी।